जया प्रदा की कुल संपत्ति आपके होश उड़ा देगी। बॉलीवुड हमेशा से ही अपनी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। जो भी स्टार्स बॉलीवुड से जुड़ते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी रंगीन होने लगती है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आई वो है जया प्रदा, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखते ही सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। उन्होंने एक्टिंग में तो अपना सिक्का जमाया ही था, राजनीति में भी खासी पॉपुलैरिटी हासिल कर अपनी पहचान बनाई है। 80 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार जया प्रदा के पास इतनी दौलत है कि जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उत्तर प्रदेश के रामपुर की पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जया प्रदा को इंडस्ट्री की सबसे कामयाब और खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दरअसल जया प्रदा को बचपन से ही डांस का शौक था। 14 साल की उम्र में स्कूल में एक परफॉर्मेंस के दौरान एक तेलुगु फिल्म निर्देशक को उनका डांस पसंद आ गया। इसके बाद उन्होंने जया को अपनी फिल्म भूमि कोसम में डांस नंबर करने का ऑफर दिया। इस 3 मिनट के डांस के लिए जया प्रदा को उस समय 10 रुपए मिले थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 10 रुपए की फीस से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली जया प्रदा आज 27 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। इसके साथ ही जया के पास कई लग्जरी कार्स का कलेक्शन है। उनकी लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज बेंज, आउटलैंडर, फोर्ड एंडेवर, फोर्ड आइकन और ज़ाइलो महिंद्रा शामिल हैं। खबरों की माने तो जया प्रदा 5 बंगलों की मालकिन है। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और चेन्नई में उनके बंगले हैं, जिनकी कीमत 9 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास हैदराबाद और चेन्नई में नॉन एग्रीकल्चरल जमीन भी है, जिसकी कीमत 10 करोड़ के करीब है। इसके अलावा उनके पास 2 किलो सोना और 1.5 किलो चांदी के आभूषण भी हैं। जया अपनी फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही हैं। जया एक सफल अभिनेत्री के अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद भी रह चुकी हैं। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें यूपी के रामपुर सीट से टिकट दिया था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पे ही आजम खान को जिताने का आरोप लगाया था। ईयर 1979 में फिल्म सरगम के जरिए हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा अपनी शानदार एक्टिंग स्किल से बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस तरह के शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।